फिर आ गई। तो तुम्हारा क्या ख्याल था, मैं अपना बदला छोड़ दूंगी? अभी और इसी वक्त इस हवेली से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्कान, मैं अपने बड़ों का बदला लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। सनम जहां, उस कमरे में मत जाना, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। ओ अच्छा, तो डरा रही हो मुझे? बताओ कौन मारेगा मुझे? उस कमरे में एक प्रोफेसर है जो इच्छाधारी नागिन को इंसानी रूप में पहचान लेता है। ये बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं जानते बूझते तुम्हें मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकती, मेरा यकीन करो। हटो। सनम जहां, सनम जहां, कौन हो तुम? जी मैं रशीदा, हवेली की नई नौकरानी। रशीदा रहती कहाँ? चीचावतनी से। नहीं नहीं तुम्हें यहाँ कहाँ रहती हो? रोज तो चीचावतनी से आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, यहाँ कोई डेरा वेरा बनाया होगा करीब में? जी यहाँ पास चकतरानवे से पुरानी जज्जी के पास। अच्छा, शिनाख्ती कार्ड बना होगा ना? जी, लेकिन पास नहीं होगा, गांव में होगा। जी चीचावतनी में। कोई रिश्तेदार है जो तुम्हारी गवाही दे सके? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं खैर, तुम रिश्तेदारों से मिलती ही नहीं होगी, सारे बड़े घटिया बेहुदा और कमीने किस्म के इंसान है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं किसी से नहीं मिलती। प्रोफेसर साहब, ये सारे सवालात आप क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको इसलिए कि ये रशीदा नहीं है, इच्छाधारी नागन है। जिसने तुम सब लोगों का जीना अजाब कर रखा है और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। साहब जी, ये आप सब क्यों कर रहे हैं? इतनी नादान न बनो जहरीली। अगर कोई भी चलित्र दिखाने की कोशिश की तो फन में सुराख ही सुराख हो जाएंगे। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई नागन नहीं हूं। तू नागन है, इच्छाधारी नागन है। उस घर में इन सबकी जान लेने आई है। प्रोफेसर
अब्दुल कुद्दूस का इल्म ना तो इतना कमजोर है और ना इतना नामुकम्मल है। अशफाक साहब ये जरा तान के रखिएगा। फैसल साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अमल कर दिया है इस पर। अब ये नागन के रूप में वापस नहीं जा सकेगी। ये मेरे अमल के ज़ेरे असर है, इससे जो भी पूछेंगे ये फर फर बताती जाएगी। मैं रूप बदल नहीं पा रही हूँ, इसने मुझ पर जादू कर दिया है। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इश्फाक, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपने गन क्यों उतारी हुई है? आशा बीबी, ये वो इच्छाधारी नागन है जिसकी हमें तलाश थी। इच्छाधारी नागिन? लेकिन ये तो नौकरानी है, मैंने कुछ देर पहले इसे काम पर रखा है। हाँ, नौकरानी ही का रूप धार के आई थी आप सबको खत्म करने। और शिकार हो गई प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस की, जिससे कोई बच नहीं। प्रोफेसर, हम ये कैसे मान लें कि ये नागन है? अभी साबित कर देते हैं। हाँ रेली, चल जो कुछ मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देती है ना, वरना तुझे पता है फना कर दूंगा। ये क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? और इस बेचारी को क्यों गिरफ्तार कर रखा है? अरे ये तो पहले ही दुखों की मारी है, छोड़िए इसे। दुखों की मारी? दुखों की मारी नहीं है, इच्छाधारी है। नागन है, नागन। इच्छाधारी? अभी साबित कर देते हैं, अभी अपने मुंह से सब कुछ बोलेगी। चल बता,
बता कौन है तू? और यहाँ किस मकसद से आई है? चल बोल बोल, वरना तुझे पता है ना प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस पसंद करके रख देगा तुझे। मैं इच्छाधारी नागन हूं। क्यों मारना चाहती हो हमें? क्योंकि तुम सबने मिलकर मेरे खानदान को मार डाला था। और खजाने पर कब्जा कर लिया था। खजाने के लालच में इन लोगों ने मेरे सारे खानदान को खत्म कर डाला। वो तड़पते रहे अपनी जान माफी की दुहाइयां देते रहे, लेकिन इन बेरहमों को रहम नहीं आया। बाद में तहखाने को जला दिया गया और सारा खानदान भी चलकर राख हो गया। मैं इन लोगों से इसका बदला लेने आई हूं। आप जुल्म किया आपने। खैर ये छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए वो खजाना कहाँ है? झूठ बोलती है ये नागिन। हमारे पास तो कोई खजाना नहीं है। सलमान बेटा, ये तुम्हें गुमराह कर रही है। प्रोफेसर साहब आप देख क्या रहे हैं? गोली मारी है इस नागिन को। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने अपने अमल से इसके दोबारा नागिन बनने की ताकत छीन ली। से गोली मारी तो ये दोबारा नागिन नहीं बनेगी और हवेली से एक औरत की लाश। लोग मुझ पर शक करेंगे कि मैंने एक औरत को मारा और मैं अभी ये नहीं। इल्ना मत,
वरना गोली मार दूंगा। हाँ इश्फाक साहब, अगर ये कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो गोली मारने में दरेग न कीजिएगा। आइए वजाहत साहब, कुछ बात करनी। मुझे सनम जहां की मदद करनी होगी, जो भी है वो मेरी सगी बहन है, और अगर अगर उसने मेरा राज खोल दिया तो रायान भी मुझे छोड़ देगा। मुझे बहुत जल्द कुछ करना होगा। वजाह साहब, अब हमें ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी लगे। मतलब ये कि इस नागिन से सारे राज उगलवा लेते हैं, उसके बाद इसको इंस्पेक्टर के हवाले कर देंगे, वो गोली मार देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, मगर मुझे एक बात का डर है। किस बात का? अगर उस नागन ने इंस्पेक्टर से कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो मैं अपने अमल से उसकी जुबान बंदी कर दी। अगर आपने खजाने में से मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर दिया तो देखो प्रोफेसर, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मेरे पास कोई खजाना नहीं है, फिर तुम ये बेकार की जिद क्यों कर रहे हो? अच्छा हो गया सर, बड़े मुहावरे हैं दुनिया में, मिल रल खाओ खंड खाओ इत्तेहाद में बरकत है वगैरह वगैरह, देख लो बांट के खाओगे तो दोनों के काम आए। लेकिन मैं नागन को अपने जादू से आज़ाद कर दूंगा, वो सारे खानदान को खा जाएगी और सारा ही खजाना इंस्पेक्टर के सिर पे आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। नहीं, सोचें अच्छी तरह सोचें वजाह साहब, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये पैसा, ये बैंक बैलेंस कुछ भी आपके हाथ में आएगा, नागन आप सबको खत्म कर देगी, माल कहीं और चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ठीक है फिर मैं जाता हूँ और नागिन को अपने अमल से आजाद कर देता हूँ।
रुको, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे यही उम्मीद थी कि इस उम्र में आप कोई गलत फैसला नहीं करो। यही तो होता है सियाना अंधा होने का फायदा ना। मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जी बोले। तुम ये खजाने वाली बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे। कौन सा खजाना वजह साहब, कौन सी बात? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा स्टाइल प्रोफेसर। अरे आगे आगे देखो, आओ चले। अब जाके उस नागन से सारे राज उगलवाओ और मैं अशफाक और अरफा से बात करता हूँ। चलो चलो। जी अब्बा जी, आरफा तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। दाजी पहले इस इच्छाधारी नागिन को तो खत्म कर लें। इसके फन कुचलने का बंदोबस्त तो हो गया है, तुम दोनों आओ तो सही। आओ। बड़ी आसानी से इन सबको मौत की वादी में भेज देगी। कुछ लिख मनाएगी। देख प्रोफेसर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तू मुझे आजाद कर दे, वरना मेरे कबीले के लोग तुम्हें मार डालेंगे। प्रोफेसर साहब, इस इच्छाधारी नागिन को मार डालिए, बहुत मासूम लोगों की जान ली है इसने। ऐसा ना हो कि ये बच के भाग जाए, मार डालिए इसे। नहीं 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 नहीं, ये अब पूरी तरह मेरे शहर में आ चुकी है। अब तो इसकी निजात का एक ही रास्ता है कि प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस को मौत आ जाए। और मेरा भी मरने का कोई इरादा नहीं है, कम से कम 30-35 साल तो जीऊंगा। मेरा बाजी, आपने ये प्रोफेसर से कैसा वादा कर लिया? इश्फाक, और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास सिवाय इसके कि मैं प्रोफेसर से सौदा कर लेता। ताजी आपको मानना ही नहीं चाहिए था कि हमारे पास कोई खजाना है। प्रोफेसर को अगर लालच ना देता तो वो नागन को आजाद कर देता और फिर वो नागन हम सबको मार देती।
इसीलिए मैंने प्रोफेसर को लारा लगाया है। लारा? क्या मतलब? एक बार अशफाक, सिर्फ एक बार प्रोफेसर वो नागन इंस्पेक्टर के हवाले कर दे, फिर इंस्पेक्टर नागन को मार देगा और हम प्रोफेसर का किस्सा खत्म कर देंगे। बस। लेकिन प्रोफेसर को मारकर उसकी लाश का क्या करेंगे? अरे इतनी बड़ी हवेली है हमारी, कहीं भी जमीन खोद के दफना देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब्बा जी ये दाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। जिस खजाने को हासिल करने के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, इतने लोगों को मरवाया, वो खजाना इतनी आसानी से दूसरों में नहीं बांट सकते। हरगिज नहीं। आपका प्लान बिल्कुल ठीक है दाजी। समझने की कोशिश करो मुस्कान, मैं सनम जहां की कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए कि वो तेरी नहीं, पाशी की नागिन है। नहीं मुस्कान, ये बात नहीं है। सनम जहां भी उसी खजाने के पीछे जिसे मैं तलाश कर रही हूं, और उसकी जान बचाने का मतलब है कि दुश्मन की जान बचाना। वो दुश्मन जरूर है, लेकिन मेरी सगी बहन भी है। बहन नहीं है वो, डायन है। डायन, डायन। अगर उसका बस चले ना, तो सबसे पहले वो तुझे खत्म करे, और तू उसकी जान बचाना चाहती है? सजना, सनम जहां के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मुस्कान। तो एक काम कर, रूप बदल कर उसकी जान बचा ले। प्रोफेसर ने जो जादू सनम जहां पे किया है, उसकी वजह से वो किसी दूसरे का रूप नहीं बदल सकती और ना ही नागिन बन सकती। और उस जादू का असर मुझ पे भी हो गया है। मैं मुस्कान के अलावा किसी का रूप नहीं बदल सकती। प्रोफेसर जब तक हवेली में मौजूद है, वो जादू कभी खत्म नहीं हो सकता। नायल, नायल, तुम ही मेरी मदद करो, मेरी बहन को बचा लो। खुदा के वास्ते, वो मेरी बहन को मार देंगे वरना। कासू, 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 तुम ही सजना को समझाओ, मेरी मदद करे, मेरी बहन को बचाए। खबरदार कासू, अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो जलाकर राख कर दूंगी मैं। तुम सब जालिम हो, संगदिल हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना सजना, अगर सनम जहां को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी, सबको। सबको मार दू? जान से मार देगी। मालिक? मालिक, ऐसे तो मुस्कान बागी हो जाएगी। मुस्कान बागी हो चुकी है कासू,
लेकिन जो काम मुस्कान ने हमारे लिए करना है ना, वो अब हमारे लिए नायल करेगा। चल बोल, अब तेरे अलावा इस हवेली में और कितने छजारी हैं और कौन कौन? इस हवेली में मेरे अलावा दो और इच्छाधारी रहते हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पूछे वो दो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं? चल बता, नाम बताओ। एक एक मेरी बहन है, उसका नाम जमुना दासी है, और एक उसका मंगेतर है। उसका नाम गंगाधारी है। जमुना दासी और गंगाधारी, इस नाम का तो कोई भी नहीं रहता हवेली में। यही नाम है, यही नाम है इन चधारियों के। प्रोफेसर साहब, इससे वो नाम पूछें जिन नामों से वो यहां रह रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है अशफाक साहब, इसने जो नाम बताए हैं ना, वो 200 साल पहले के असली नाम। क्यों मुमकिन नहीं है? वजाहत साहब, आज के नामों को जानने के लिए मुझे इसकी आज की याददाश्त वापस लानी होगी, और आज की याददाश्त वापस लाने के लिए मुझे इसको अपने शहर से आजाद करना होगा, जो कि खतरनाक हो सकता है। हाँ तो कर दे ना। अरे नहीं यार हबीबी, इतना रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैंने इसको आजाद कर दिया तो ये रूप बदल के निकल सकती है और फिर मौका पाके हमला कर सकती है, तुम सबको खत्म भी कर सकती है। नहीं नहीं प्रोफेसर, इसे इसकी ताकतें वापस मत करना। दाजी, बाकी दो इच्छाधारियों का कैसे पता चलेगा? मैं हूं ना, मैं हूं। जैसे इसको पकड़ा है वैसे उन दोनों को भी घेर लूंगा और सजा दूंगा। फिक्र न करें आप लोग, आप इंस्पेक्टर को बुला लें। मैंने कॉल कर दिया है, बस इंस्पेक्टर आता ही होगा। वजाह साहब, इस बेचारी को क्यों पकड़ रखा है?
हाँ, और मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसे। अब आप इसे ले जाएं और किस्सा तमाम करते। इंस्पेक्टर, इसने बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया है, ले जाओ इसे और शूट कर दो। आप बेफिक्र हो जाए इश्फाक साहब, मैं इस इच्छाधारी को आग लगा दूंगा और आइंदा ये कभी हवेली का रुख भी नहीं करेगी। चल लगन। ओजाल साहब, शक्ल से तो ये इंसान लगती है, आपके शक के चक्कर में मैं इसे गोली मार दूं और अगर ये इंसान निकली तो मेरी तो वर्दी उतर गई ना, और फांसी भी हो सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? बेगम साहिबा, क्या सबूत है कि ये औरत औरत नहीं एक इच्छाधारी नागन है? इंस्पेक्टर का सवाल बिल्कुल ठीक है। इसे मारने के बाद अगर ये नागिन ना बनी तो एक कत्ल इंस्पेक्टर के खाते चढ़ जाएगा। प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर को सबूत दीजिए कि ये इच्छाधारी नागिन है। चल, अगर इतना जरूरी है तो सबूत भी दिए देते हैं इंस्पेक्टर।